ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं अनिल प्रियदर्शी आज आपको भूगोल विषय का 12वीं कक्षा का प्रथम चैप्टर पढ़ाऊंगा। इसका शीर्षक है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो इस चैप्टर को हम 5 यूनिट में बांटते हैं। सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद उसकी प्रकृति देखेंगे, फिर उसकी विचारधाराएँ क्या क्या है, उसके बाद मानव भूगोल का क्या विषय क्षेत्र है और उसका उप क्षेत्र क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और भूगोल मानव भूगोल का इतिहास जो समय के गलियारों से अभी तक किस तरह से पहुंचा है उसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मानव भूगोल का एक सामान्य परिभाषा को जानने का प्रयास करेंगे कि मानव भूगोल आखिर क्या है। जैसा कि पहले आप पढ़ चुके होंगे क्लास 11th में भौतिक भूगोल, भूगोल की दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल का आप लोग 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, यहाँ हम लोग 12वीं कक्षा में मानव भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके तहत मानव जनसंख्या का वितरण, उसका वितरण के साथ साथ मानव भूगोल का वितरण के साथ साथ विभिन्न मानवीय क्रियाकलापों, परिवहन, संचार, व्यापार एवं मानव बस्तियों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में मानव एवं प्रकृति के बीच जो अनुनासय संबंध है उसका भी अध्ययन हम लोग करते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार मानव भूगोल को कुछ परिभाषा के द्वारा उन्होंने अपना विचार प्रकट किया है, जिसमें पहला नाम आता है मानव भूगोल को परिभाषित करने फ्रेडरिक रेटजेन को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफिया में मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा है कि मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी तल के बीच संबंधों को संश्लिष्ट अध्ययन है, और उन्होंने अपनी पुस्तक में मानव केंद्रित विचारधारा को स्थापित करने का काम किया है, और इस विभाजनकारी घटना के कारण ही फ्रेडरिक रेटजेन को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। अब हम देखेंगे दूसरे महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता कुमारी एलन चर्चिन सेंपल है जो कि रेटजेन की शिष्या है। इन्होंने भी मानव भूगोल को अपने तरीके से परिभाषित करने का काम किया है, और इनका परिभाषा भी बहुत हद तक मानव भूगोल की विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। इनके शब्दों में मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी एवं क्रियाशील मानव के परस्पर परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कुमारी एलन चर्चिन सेंपल को वातावरण निश्चयवाद का कट्टर समर्थक माना जाता है, और ये इनकी पुस्तक जो है इनके ये अपना जो विचार जो है इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट नामक पुस्तक में इन्होंने वर्णन किया है। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा विचारधारा जो कि वाइडर डीला ब्लासे के द्वारा बोला गया। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल डी ज्योग्राफिया ह्यूमन में मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा है कि मानव भूगोल पृथ्वी एवं मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नई समझ देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान समाविष्ट होता है। इस प्रकार तीनों उपर्युक्त परिभाषाओं को देखने से स्पष्ट होता है कि फ्रेडरिक रेटजेन के द्वारा जो विचारधारा है वो फ्रेडरिक रेटजेन की विचारधारा फ्रेडरिक रेटजेन की विचारधारा समन्वय के दृष्टिकोण को पर प्रकाश डालती है। वहीं पे एलन चर्चिन सेंपल का परिभाषा जो है संघर्ष के दृष्टिकोण को परिलक्षित करती है, और तीसरी परिभाषा वाइडर डीला ब्लासे के द्वारा
जो परिभाषा दिया गया है वो दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करता है। ये तीनों परिभाषा मानव भूगोल की विषय वस्तु और मानव भूगोल क्या है इसे स्पष्ट करने में परिपूर्ण है। अब हम देखेंगे मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। प्रकृति से सीधा मतलब है कि मानव भूगोल का स्वभाव कैसा है। जिस तरह से इतिहास शाश्वत विषय है और उसमें समय के साथ पुराने जो भी समय के साथ जो उसमें बदलाव हुए हैं उसका जो इतिहास रहा है उसका कभी का अध्ययन किया जाता है इतिहास में। लेकिन भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके तहत इसके विषय वस्तु शाश्वत न होकर समय के साथ ये परिवर्तनशील होते हैं। ये इसकी गत्यात्मक विचारधारा को स्पष्ट करती है। दूसरा इसकी प्रकृति है अंतर विषय। भूगोल का अपना विषय के साथ अपना विषय वस्तु राज्य के साथ साथ वो सामाजिक विज्ञान के अन्य विषय से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से भूगोल मानव भूगोल की प्रकृति को अंतर विषय प्रकृति भी कहा जाता है। तीसरा है अध्ययन की विषय वस्तु शाश्वत का उत्तर परिवर्तन के शुरू में हम बता दिए हैं। ठीक है, तो ये तीन महत्वपूर्ण उसकी प्रकृति है। ये प्रकृति को आगे हम और स्पष्ट तरीके से समझेंगे जब उसकी विषय वस्तु को बढ़िया से देख लेंगे तो हमको प्रकृति को स्वतः समझ में आ जाएगी। इसका और डिटेल्स बाद में आगे किया जाएगा। अब हम तीसरा टॉपिक विचारधाराओं को लेकर चलते हैं। तो मानव भूगोल में तीन महत्वपूर्ण विचारधाराओं का अध्ययन करते हैं जिसमें पहला विचारधारा निश्चयवाद की है, दूसरा संभववाद की है और तीसरा डर निश्चयवाद की विचारधारा है। निश्चयवाद को प्राचीन विचारधारा माना जाता है इसमें कि प्रकृति श्रेष्ठ है और मानव गौण है। मानव जो है प्रकृति का पूर्णतः अनुसरण करता है और ये विचारधारा जो है औद्योगिकरण के पूर्व की अवस्था है। इसमें जो है प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, मानव को गौण स्थान माना गया है, मानव को प्रकृति का दास माना गया है। इसमें जो है मानव प्रकृति पर पूर्णतः आश्रित होता है, मानव प्रकृति की पूजा करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है जहाँ तक देखेंगे तकनीकी का ज्ञान यहाँ पर मानव को बहुत कम था इसलिए वो प्रकृति से डरता था। प्रकृति में जैसा ही कुछ जैसे मेघ गर्जन भी होते थे तो समझता था कि मानव प्रकृति है जो लगता है हमसे नाखुश है। इस वजह से जो है प्रकृति हमको डराने का प्रयास करेगी या हमको सतर्क करने का प्रयास करे और इस डर से मानव जो है गुफाओं में वो चला जाता था बचने के लिए। यानी कि कंप्लीट जो है मानव जो है प्रकृति पर निर्भर था। प्राचीन समय में अगर देखेंगे तो निश्चयवाद की विचारधारा का सूत्रपात कहाँ से हुआ है। तो एक यूनानी ज्योग्राफर है हिप्पोक्रेटस जिनको की फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस की पुस्तक एयर वाटर एंड प्लेसेस वायु जल और निवास स्थान वायु जल और निवास में उन्होंने जलवायु की महत्ता को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि उष्णकटिबंधीय में रहने वाले लोग खास करके एशिया के रहने वाले लोग जो है वहाँ के लोग पर जलवायु का प्रभाव पड़ने के कारण वहाँ के लोग जो है आलसी और नीरस हैं प्रवृत्ति के हैं। लेकिन वहीं यूरोपियन लोग वहाँ की जलवायु विपरीत रहने के कारण या समशीतोष्ण टाइप का रहने के कारण वहाँ के लोग मेहनती और मेहनत का स्वस्फूर्ति दायक है। तो ये हिप्पोक्रेटस के द्वारा कहना था। आगे हम देखेंगे कि ये प्राचीन निश्चयवाद के समर्थक थे हिप्पोक्रेटस। सर्वप्रथम तो बात हिप्पोक्रेटस ने किया लेकिन बाद में जैसा कि जानते हैं कि भूगोल में शास्त्रीय काल जो 300 एडी से 600 बीसी तक का चलता है प्रथम फेज जिसमें भूगोल का पूर्णतः विकास होता है तो उसमें उसके बाद जो है फिर 600 एडी के बाद जो है एक अंधकार युग आ जाता है 1200 ईस्वी तक। उसके बाद जो है बाद में धीरे धीरे भूगोल का विकास होता है और 18वीं शताब्दी में दो महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट और हीटर जिन्होंने संकल्पना के
साहब आपको एक संकल्पना के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया हम्बोल्ट और विक्टर दोनों मिलकर। तो प्रकृति निश्चयवाद के समर्थक हैं और इन्होंने संकल्पना के रूप में निश्चयवाद को प्रस्तुत किया, इसलिए निश्चयवाद संकल्पना को आधुनिक समय में प्रवर्तक जो है हम्बोल्ट और विक्टर को बोला जाता है। वही अब अगर हम दूसरी विचारधारा को देखते हैं संभववाद, तो संभववाद की विचारधारा जस्ट इसका उल्टा है। ये इसमें है जो प्रकृति श्रेष्ठ है और मानव गौण है, लेकिन संभववाद में है जो मानव श्रेष्ठ है और प्रकृति गौण है। इसमें मानव के बारे में बोला गया, मानव के साथ ही प्रकृति विभिन्न तरह के च्वाइस देता है और मानव के ऊपर निर्भर करता है कि च्वाइस का कितना उपयोग करे या ना करे। मानव यहाँ पर अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने कई एक अपने उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया है। मानव भूगोल वर्तमान संभववाद के उदाहरण के रूप में हम कई एक उदाहरण को हम देखते हैं। मानव भूगोल जैसे आज मानव जो है वायुवान का आविष्कार कर वह हवा में अनंत का पार ऊंचाइयों तक जा सकता है। उसी तरह से जलपोत का निर्माण कर वह समुद्र की गहराइयों तक भी वह जा सकता है। उसी प्रकार मानव जो कुछ अजूबे काम है वो भी कर दिखाए हैं, अंतरिक्ष में जाना, कृत्रिम उपग्रहों के अंतरिक्ष में छोड़ना, बड़े बड़े पुलों का नदियों पर निर्माण करना, ये सब दुष्कर काम भी मानववाद कर लिए हैं। इसकी वजह से कहा जाता है कि मानव जो है प्रकृति का दोहन भी कर सकता है, मानव के ऊपर निर्भर करता है। और ये संभववाद की विचारधारा जो है मानव में तकनीकी ज्ञान को के आने से यह संभववाद की विचारधारा को ज़्यादा बल मिला है। इसके बाद हम देखेंगे नव निश्चयवाद की संकल्पना जो है निश्चयवाद और संभववाद दोनों विचारधाराओं को समन्वय करने का काम करता है। ये दोनों के बीच का मार्ग प्रदर्शित करने का काम करता है, मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है। ये निश्चयवाद और संभववाद दोनों के अति विचारधाराओं को सिरे से निकालता है और दोनों में समन्वय स्थापित करने का काम करता है। नव निश्चयवाद के समर्थक के रूप में विल्फ्रेड टेलर का नाम आता है। यहाँ पर हम एक चीज और भी जानकारी देना चाहेंगे, संभववाद शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम विल्फ्रेड टेलर के द्वारा किया गया था और संभववाद को संकल्पना के रूप में लाने का प्रयास सर्वप्रथम वाइडर टेलर वासे फ्रांसीसी ज्योग्राफर हैं उनके द्वारा किया गया। वही निश्चयवाद की संकल्पना को संकल्पना के रूप में लाने का काम 1920 के दशक में ग्रिफिथ टेलर के द्वारा किया गया और इनके विचारधारा को नव निश्चयवाद संकल्पना को तर्कों पर आधारित था, इसलिए इसे वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा जाता है। वैज्ञानिक निश्चयवाद के साथ साथ इसे आधुनिक निश्चयवाद भी कहा जाता है और ये वर्तमान समय में ये इसकी महत्ता बहुत ही अधिक है। आज वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि हम लोग कोरोना से ग्रसित हैं, तो इसमें भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या, जैसा कि बताया जा रहा है कि वुहान चीन के वुहान शहर में जैविक हथियार की फैक्ट्री था, वहीं से है जो इसका पता ही, हालांकि इसकी सत्यता पूरी तरह से अभी तक सही नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह ऐसा जरूर कयास लगाया जा सकता है कि वुहान शहर में जो है जैविक हथियार की फैक्ट्री सचमुच में है और हो सकता है कि वहीं से ये वायरस की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो जैविक हथियार एक तरह से बनाना क्या है, मानव का प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ही परिणाम है और इसके वजह से जो है मानव को आज ये समस्या देखने को मिल रही है। आज भी नव निश्चयवाद की संकल्पना उतना ही प्रभावशाली है जितना कि 1920
के से 50 के दशक में रहा। हालांकि ग्रिफिथ टेलर ने 1920 में ही ये संकल्पना को प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन इसका वैश्विक प्रभाव 1948 के बाद में देखने को मिला और अभी तक भी देखने को मिल रहा है। अभी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे स्पष्ट करने का प्रयास किए। ग्रिफिथ टेलर ने महानगरों में चौराहे पर गति नियंत्रण पद्धतियों के माध्यम से नव विषयवाद संकल्पना को समझाने का प्रयास किया है। ग्रिफिथ टेलर ने जिस प्रकार से चौराहे पर नियंत्रक बत्तियों में तीन तरह की बत्तियां होती है, लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्तियां, जिस तरह से लाल बत्तियां जो है वाहनों को रुकने का निर्देश देती है, उसी तरह से पीली बत्तियां रुककर तैयार रहने के लिए बोला जाता है। लाल बत्तियां रुकने के लिए, पीली बत्तियां रुक के तैयार करने के लिए और हरी बत्तियां का वहां से भी जाने के लिए, यानी कि वाहनों को नियंत्रित करने के लिए जिस तरह से सामाजिक सोशल लॉ है उसी तरह से प्राकृतिक नियम है। और ये प्राकृतिक नियम का मानव जब तक प्राकृतिक लॉ का अनुसरण करते हुए अगर प्रगति करता है तब तो ठीक है, अन्यथा अगर वो सीमा से जैसे ही बाहर जाता है तो मानव जो प्रकृति है जो विभिन्न प्रकार की विशेषिका है या आपदाओं का दृष्टिगोचर मानव के सामने करना प्रारंभ कर देता है। आज वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, जल स्तर का धीरे धीरे घटना, ग्लेशियर का पिघलना, उसके बाद क्लाइमेट चेंज, ये सब सारी जो गतिविधियां हम जो देख रहे हैं मानव का ही प्रभाव है। हालांकि मानव जब देखेंगे तीन फेज में हम देखेंगे और तो एक मॉडर्न लाइन औद्योगिक क्रांति है और समझने के लिए समझेंगे करीब 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अगर हम देखेंगे तो यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति हुई और औद्योगिक क्रांति होने की वजह से औद्योगिकरण होने से मशीनीकरण को बढ़ावा मिला और मशीनीकरण के होने से जो है उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत तीव्रता आई, उससे जो है पर्यावरण प्रदूषण धीरे 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 बढ़ने लगे। इसके पहले जो तो स्थिति ठीक थी, मानव प्रकृति के साथ जो है सामंजस्य बिठाकर रहता था, लेकिन जैसे ही औद्योगिक क्रांति उसके बाद मानव को विकास की अंतिम दौड़ में बहुत तीव्रता उसमें आने लगी, जिसकी वजह से जो है मानव जो है प्रकृति का तीव्र दोहन करने लगे और तीव्र दोहन ही जो है सर्ववाद की संकल्पना को विस्तार में सहायक सिद्ध हुआ। लेकिन बाद के कालों में जब विषय बाद में दोनों में भी जो समन्वय स्थापित करने का काम हुआ, इस तरह से हम देखेंगे विचारधाराएं नव विषयवाद सब ये तीनों का क्रमिक विकास हुआ है। तीनों को देखने से स्पष्ट है ये प्राचीन विचारधारा है, ये बीच का विचारधारा है और ये जो है आधुनिक विचारधारा है। हालांकि नव विषय के बाद भी भूगोल में बहुत सारे विचारधाराओं का आगमन हो चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का विकास हुआ। मात्रात्मक क्रांति के आने से भूगोल में जो है सांख्यिकीय नियमों का भूगोल में जो प्रवेश हुआ, इससे मानव भूगोल की जो विषयनिष्ठता थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी और वस्तुनिष्ठता की ओर बढ़ने लगी और मानव मात्रात्मक क्रांति के प्रतिक्रिया स्वरूप भूगोल में मानववादी संकल्पना, कल्याणकारी संकल्पना, वेक्टर जो जिसको कि तीन नामों से हम जानते हैं, भूगोल में आचार पर क्रांति या व्यवहारिक क्रांति जिसको हम बिहेवियर ज्योग्राफी भी कहते हैं, ये जो है मात्रात्मक क्रांति के परिणाम स्वरूप है इसका विकास हुआ है। और उसके बाद 1960 के ही दशक में मानवतावादी भूगोल जो कि मानव को केंद्र में रखकर भूगोल का अध्ययन पर विशेष बल पर ध्यान दिया जाता था। और इसी तरह से आगे हम देखेंगे एक और नए
ट्रॉपिकल ज्योग्राफी जिसको अतिवादी भूगोल या अनुवादी, ये जो है मार्क्सवादी विचारधाराओं से प्रेरित है, ये पूंजीवाद का विरोध करता है और सामाजिक नियमों में परिवर्तन लाने पर इसका अध्ययन क्षेत्र में शामिल करने पर बल देता है। इस तरह से फिर लास्ट में भी वर्तमान समय में जो भूगोल में विचारधारा चल रही है उन कल्याणकारी भूगोल कल्याणकारी भूगोल पर विशेष बल दिया जा रहा है और इसमें मानव को सेंटर में रखकर जो मानव की जो समस्याएं हैं, जो पिछड़े वर्ग और समाज की मूलधारा से कटे हुए हैं उसको ध्यान में रखकर सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है और इन कल्याणकारी योजनाओं पर उनको फायदा ही पहुंचाना मानव विकास का महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय रह गया है। इसलिए वर्तमान समय में कल्याणकारी भूगोल पर विशेष बल दिया जा रहा है। सरकार की विभिन्न योजनाएँ जो है कल्याणकारी या कल्याणकारी भावना को ध्यान में रखकर ही प्रतिपादित किए जा रहे हैं। भूगोल में मात्रात्मक क्रांति लाने भूगोल में मात्रात्मक क्रांति वाले लाने वाले भूगोलविद जेके जीत उसी तरह से बिहेवियर ज्योग्राफी भूगोल में लाने वाले गुलबर्ट और पेटर थे और क्रांतिकारी या अतिवादी इसको भूगोल में लाने में जे आर पी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसी तरह से भूगोल में मानवतावादी भूगोल की संकल्पना को एटवान महोदय के द्वारा दिया गया है और कल्याणकारी भूगोल की संकल्पना डी एम अस्मित और लॉक्स के द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस तरह से भूगोल में बहुत सारी अन्य विचारधाराएँ अभी भी चल रही है क्योंकि भूगोल की प्रवृत्ति ही है कि अध्यात्मक समय के साथ वो अपने में बदलाव करती है और यही भूगोल विषय की खूबसूरती है। और भूगोल जो है अन्य सामाजिक विज्ञान के विषयों की जो अच्छी अच्छी बातें उसको अपने में समाहित आत्मसात करने का भी इसका गुण है जो कि इसकी परिप्रेक्ष्य के तहत ही हम इसका अध्ययन करते हैं। अब हम देखेंगे विषय क्षेत्र भूगोल का विषय क्षेत्र और उप क्षेत्र। भूगोल का क्षेत्र और उप क्षेत्र को अनुमानव भूगोल का क्षेत्र क्या क्या है, अनुमानव भूगोल का क्या क्या ब्रांच है। तो मानव भूगोल को अगर क्षेत्र देखेंगे तो मानव भूगोल को आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल और आवास भूगोल और भी बहुत सारे हैं, नगरीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल सब पाँच छः महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग को याद रखना है कि ये मानव भूगोल को जो उनके क्षेत्र है। अब ये क्षेत्र हैं तो आर्थिक भूगोल है तो इसका भी कहिए उप क्षेत्र है तो इसीलिए इसको उप क्षेत्र के तहत इसको समाहित किया गया है। उप क्षेत्र जैसे आर्थिक भूगोल को कहिए उप शाखाओं में बांटा गया है। आर्थिक से कृषि भूगोल है तो आर्थिक भूगोल के हिसाब का है और औद्योगिक भूगोल है तो आर्थिक भूगोल के हिसाब, संसाधन भूगोल है तो आर्थिक भूगोल के हिसाब का है, पर्यटन भूगोल ये भी आर्थिक भूगोल के हिसाब का है। इन सारे सब्जेक्ट का उप क्षेत्रों का संबंध सामाजिक विज्ञान की किसकी शाखा से है जिसको कि हमने स्पष्ट किया। जैसे कृषि भूगोल तो कृषि भूगोल जो है कृषि विज्ञान सामाजिक विज्ञान के विषय शाखा से लिया गया है। फिर इसी तरह से उद्योग भूगोल जो है औद्योगिक अर्थशास्त्र से लिया गया औद्योगिक भूगोल। इसी तरह से संसाधन अर्थशास्त्र संसाधन एक्चुअली अर्थशास्त्र का विषय तो संसाधन अर्थशास्त्र यही संसाधन की विषय वस्तु को लिया गया। इसी तरह से पर्यटन एवं परिवहन पर्यटन एवं परिवहन प्रबंधन सामाजिक विज्ञान की शाखा से पर्यटन विषय वस्तु को लिया गया है जो कि आर्थिक भूगोल की आर्थिक भूगोल की महत्वपूर्ण विषय है। इसी तरह से सामाजिक भूगोल को कई उप शाखाओं में बांटा गया है। सामाजिक भूगोल को ऐतिहासिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल और समाज कल्याण से संबंधित भूगोल में बांटा गया। ऐतिहासिक भूगोल का संबंध सीधा सा है सामाजिक, ऐतिहासिक भूगोल का सीधा संबंध इतिहास से है। सांस्कृतिक भूगोल सांस्कृति का सीधा संबंध मानव विज्ञान से है। सांस्कृति के तहत मानव के रहन सहन ये सब का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से समाज कल्याण से संबंधित भूगोल ये समाज कल्याण का अर्थशास्त्र का विषय वस्तु उससे लिया गया है। इसी तरह राजनीतिक भूगोल
एक्चुअली राजनीतिक विज्ञान के विषय का ही और सामाजिक विज्ञान विषय का ही वहीं से लिया गया है, और राजनीतिक भूगोल को सैन्य भूगोल और निर्वाचन भूगोल में बांटा गया है। सैन्य भूगोल सैन्य विज्ञान से लिया गया है, वही निर्वाचन भूगोल जिसे मतदाता भूगोल भी कहा जाता है, ये जो है साइकोलॉजी एक सामाजिक विज्ञान की एक अलग शाखा है साइकोलॉजी, वहाँ से इसको हम अध्ययन करें। इसी तरह से जनसंख्या भूगोल जो है सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसको भी हम डेमोग्राफी कहते हैं, वहीं से जो है भूगोल में जनसंख्या भूगोल के लिए उसको लिया गया है। इसी तरह से नगरीय अध्ययन एवं योजना जो सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु है, वहीं से नगरीय भूगोल और ग्रामीण भूगोल लिया गया है। उसी तरह से आवास भूगोल जो है ग्रामीण नियोजन से बस्ती या आवास, मानव जहाँ पे रहता है उसे बस्ती कहा जाता है या आवास कहा जाता है, ये जो है नगरीय ग्रामीण नियोजन विषय वस्तु है, वहीं से लिया गया है। तो ये कुछ नहीं है, इसका सीधा सब क्षेत्र और उपक्षेत्र का भूगोल को कौन कौन सा खंडों में बांटा गया है, मानव भूगोल को कौन कौन का स्टडी का कौन कौन सा एरिया है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। और फिर इसका ब्रांच को याद रखना है, और सामाजिक विज्ञान कहाँ से संबंधित, तो तीन खंडों में इसको इसीलिए टेबल बना दिया गया ताकि समझने में सहूलियत हो। इसी तरह से अब हम आते हैं समय के गलियारों में मानव भूगोल और मानव भूगोल का इतिहास। यहाँ तक बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। अब हम समय के गलियारों में मानव भूगोल और मानव भूगोल का इतिहास के बारे में अध्ययन, यहाँ अध्ययन करने से पहले अभी तक जो भी हम टॉपिक चार टॉपिक का अध्ययन हम कर चुके हैं, इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लें। पहला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, आप लोग को क्या जवाब देना है, फ्रेडरिक रैटजेल। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि मानव निश्चयवाद की संकल्प, प्राचीन निश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादक कौन थे, तो हिप्पोक्रेट्स। लेकिन वही अगर आधुनिक निश्चयवाद का संकल्पना के रूप में किसने प्रस्तुत किया, तब हम्बोल्ट और हिटलर, दोनों का नाम सभी को किया गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया। यहाँ से प्रश्न बन सकता है संभववाद, तो सबसे पहले संभववाद शब्द को किसने दिया, तो संभववाद शब्द को सर्वप्रथम संभववाद को शब्द को किसने दिया, लुसियन फेब्रे के द्वारा, और उसे संकल्पना के रूप में प्रस्तुत करने का काम वायडन डिला ब्लासे के द्वारा किया। ये प्रश्न बन सकता है। फिर नव निश्चयवाद, फिर कहेगा प्रश्न रहेगा कि नव निश्चयवाद की संकल्पना को किसने प्रस्तुत किया, आंसर होगा क्या, ग्रिफिथ केलर के द्वारा। फिर इसी को कहेगा कि नव निश्चयवाद को और किस नाम से जाना जाता है, तो वैज्ञानिक निश्चयवाद या आधुनिक निश्चयवाद, इसी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं रुको और जाओ, रुको और जाओ और जाओ। जस्ट गोरियम उदाहरण दिए कि जिस तरह से नगरीय क्षेत्रों में चौराहे पर किस तरह से नियंत्रण बत्तियों के द्वारा भीड़ को नियंत्रित किया जाता है, उसी तरह से मानव विकास की जो अंधी दौड़ है उसको रोकने के लिए प्रकृति के संकेतों को समझना पड़ेगा, और मानव का विकास जो है उसी के हिसाब से प्रकृति के नियमों का अनुसरण करके, जिस तरह से वहाँ सोशल लॉ काम कर रहा था, यहाँ पर नेचुरल लॉ अनुसरण करते हुए मानव अपनी विकास को आगे बढ़ा सकता है। यही इसीलिए इस संकल्पना को रुको और जाओ संकल्पना नियम कहते हैं। ये फिर कहेगा कि कौन सा संकल्पना जो है निश्चयवाद और संभववाद में समन्वय स्थापित करने का काम करता है, नव निश्चयवाद की संकल्पना। और ये हो सकता है कि नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया, मित्र केवल, कब, 1920 के दशक में। ये सब प्रश्न यहाँ से जा सकता है। अब यहाँ पर
अंतिम टॉपिक पढ़ने से पहले एक बार पूरा समराइज कर लेते हैं कि मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मतलब, अगर तीनों विचारधारा अगर समझ गए होंगे आप, तो यहाँ पर मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानव मानवीकरण कुछ नहीं है। मानव का प्रकृतिकरण का तात्पर्य क्या है कि प्रकृति का मानव पर प्रभाव, प्रकृति का मानव पर प्रभाव सीधा इस तरह से आ रहा है, और इधर ये मानव का प्रकृति पर, इसमें प्रकृति का मानव पर प्रभाव को ही मानव का प्रकृतिकरण करते हैं। जिस तरह से देखते हैं कि आदिम जनजातियाँ अभी भी क्या है, आदिम जनजातियों के रहन सहन पर अभी भी जनता प्रकृति का ही अमीर छाप अभी भी है। जैसे अफ्रीका के बहुत से देशों में आप चले जाएंगे, कांगो बेसिन के एरिया में, भारत में आप भी देख सकते हैं, उत्तर पूर्वी के क्षेत्रों में, इसी तरह से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ जनजातीय इलाकों में भी देखेंगे, वहाँ की जनजातियाँ अभी भी पूरा जो है जनजातियों पर प्रकृति का पूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है। उसका रहन सहन, उसकी आर्थिक क्रियाकलाप सारा जो है प्रकृति पर ही डिपेंडेंट है, इसलिए इसको हम बोलेंगे मानव का प्रकृतिकरण। दूसरा टर्म है जस्ट लाइक, आप निश्चयवाद से इसको समझ सकते हैं, का संबंध सीधा है निश्चयवाद, जिसको कि पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहा जाता है ना। दूसरा टर्म को हम देखेंगे प्रकृति का मानवीकरण, ये क्या टर्म है प्रकृति का मानवीकरण, तो हम बताया कि सीधा रखना है आप क्या कि मानव का प्रकृति पर, इसका सीधा तात्पर्य मानव का प्रकृति पर प्रभाव। जस्ट उनका जो संभववाद की संकल्पना है तो इसमें भी है जो है क्या मानव श्रेष्ठ और प्रकृति दोनों की संकल्पना, ठीक वही चीजें आएंगे मानव का प्रकृति पर प्रभाव। तो मानव का प्रकृति का प्रभाव आप देख रहे हैं, आज मानव जो है क्या मानव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीकी ज्ञान, तकनीकी ज्ञान से मतलब है कि मानव अपनी बुद्धि से विभिन्न तरह के आविष्कार किए हैं, यंत्रों का निर्माण किया है, और जिसके माध्यम से मानव जो अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ा दिया है। आज मानव गर्मी के दिनों में देखते हैं घर में आराम से एसी में रह सकता है, ठंडे के दिनों में ब्लोअर या हीटर जलाकर भी वह जो है उसके नियंत्रण पा सकता है, यानी कि मानव यहाँ क्या है श्रेष्ठ है, प्रकृति गौण है। इसी तरह से मानव जो है क्या आज आर्कटिक द्वीप, ध्रुवीय क्षेत्रों में देखेंगे आर्कटिक क्षेत्र या अंटार्कटिक क्षेत्र में मानव जो है वहाँ पर भी जो है बस्तियाँ, वहाँ पर भी जो है आर्कटिक क्षेत्रों में मानव का धीरे धीरे बसाव होने लगा है। हालांकि अंटार्कटिका भी मानव की पहुँच से दूर है, लेकिन वहाँ पर भी अनुसंधान की क्रियाएँ अभी भी गति से, भारत का भी वहाँ पर एक मैत्री और भारती करके एक अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में गया हुआ है, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक जलवायु स्थितियों का अध्ययन लगातार कर रहा है। तो इन क्षेत्रों पर मानव की पहुँच क्या है, प्रकृति का मानवीकरण को दर्शाता है। तो एक चीज़ समझ गए हम लोग मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवी। अब जो है यहाँ तो कुछ नहीं है, मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र और उप क्षेत्र है और सामाजिक विज्ञान जिस तरह के विस्तार सभी हम पिछले कुछ समय पहले कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि समय के गलियारों में मानव भूगोल और मानव भूगोल का इतिहास, यानी वर्तमान समय में किस तरह से मानव भूगोल विकास करते हुए अभी यहाँ तक पहुँचा है, तो इसका हम देखेंगे कि प्राचीन काल में जो तो विषयवाद की यहाँ पर था, विषयवाद की संकल्पना से इसको हम समझ सकते हैं कि अध्ययन क्षेत्र विषय वस्तु समय क्या थी, तो प्रकृति की रहस्यों की खोज करने तक ही हम सीमित थे। बादल गरजता था तो गरजने पर मानव डर जाते थे, आखिर क्यों गरज रहा, तो उनकी रहस्य की खोज ही उनका विषय वस्तु का विषय वस्तु रहता था। बस यहाँ पर कोई किसी तरह का डेवलपमेंट और ये सब नहीं हुआ है, तकनीकी ज्ञान का अभाव के कारण यहाँ पर पूरा मानव जो है पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। दूसरे पीरियड में हम देखेंगे औपनिवेशिक काल,
जैसा कि हम अभी बता चुके हैं कि 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो गई थी, वहाँ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति के अन्य यूरोपीय देशों में प्रारंभ हो गई थी, और वहाँ पर अन्य संसाधनों की मांग के लिए अन्य क्षेत्रों की खोज में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न सामुद्रिक और सामुद्रिक मार्गों की खोज करने लगे, और उसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों का उन्होंने पता लगाया, जिसके 1492 ईस्वी में कोलंबस का नाम आप लोग जानते होंगे, उन्होंने भारत की खोज करने के लिए निकला यूरोपीय देशों से, पुर्तगाल और स्पेन, पुर्तगाली से एक्चुअली वहाँ से निकले, लेकिन भारत की खोज न करके वो क्या कहाँ चले गए, नई दुनिया उत्तरी अमेरिका चले गए। उसके बाद 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के द्वारा एक अभूतपूर्व होते हुए भारत तक पहुँच गए, और ये काल जो है भौगोलिक अन्वेषण का काल था, और इस समय जो है जो भी यात्री आते थे उनका मुख्य उद्देश्य जो है प्रदेश का अध्ययन करना होता था, प्रादेशिक अध्ययन पर उन्होंने विशेष बल बल देते थे, और उसी को और उसकी विषय वस्तु, तो इसका भी अध्ययन भूगोल में बाद में किया जाएगा, क्योंकि ये जो है यात्रियों का जो जीवन वृत्तांत या और भी वृत्तांत है वो मानव भूगोल के ये एसेट्स का काम करता है। इसलिए औपनिवेशिक काल में ये जो है भौगोलिक अन्वेषण का युग जो था, इसमें जो है प्रादेशिक, क्योंकि वो प्रदेश का अध्ययन इसलिए करता था कि मानव यूरोप के निवासी कहाँ रह सकते हैं, इसलिए प्रादेशिक अध्ययन पर बल विशेष देते थे। लेकिन बाद में फिर जो है द्वितीय विश्व युद्ध का काल आया, 1914 विश्व युद्ध, और फिर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के काल के दरमियान में क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर बल दिया जाता, यहाँ पर प्रादेशिक अध्ययन पर बल दिया जाता था, लेकिन बाद में भी प्रादेशिक अध्ययन एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से किस प्रकार भिन्न है उसी को हम लोग क्षेत्रीय विभिन्नता करते हैं, इस पर बल दिया जाने लगा, क्षेत्रीय विभिन्नता पर विशेष बल जाने लगा। ये द्वितीय विश्व युद्ध के काल में ये आप इसको मान सकते हैं कि 1914 से लेकर 1945 तक का ये इसको मान सकते हैं, और ये उसके आगे हम देखेंगे काल डिवीजन हम देख रहे हैं कि किस किस काल में क्या क्या भूगोल में आया है। 1950-60 के दशक में देखेंगे कि कंप्यूटर का आविष्कार हो जाने के कारण और कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़े जाने के कारण कंप्यूटर और कृत्रिम उपग्रहों की सहायता से विभिन्न क्षेत्रों को डाटा कलेक्ट कर उसका एक सामान्यीकृत नियम प्रतिपादित किए जाने लगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। उसके बाद फिर जो 1970 से 1990 का दशक आया जिसमें मानवीय एवं व्यवहारिक चिंतन पर विशेष बल दिया जाने लगा, भूगोल की विषय वस्तु में केंद्र बिंदु मानव पर ही विशेष बल दिया जाए, दोनों विचारधारा मानव को केंद्र पर ही रखकर किया गया है, मानवीय विचारधारा और व्यवहारिक चिंतन। अभी इसके पहले हम बता चुके थे इस तरह से जो है मात्रात्मक क्रांति आने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मात्रात्मक क्रांति आने के बाद जो है उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो है मानवीय भूगोल और व्यवहारिक भूगोल को बढ़ावा दिया गया, और भी इससे रिलेटेड कुछ कुछ इसमें सिद्धांत हैं, व्यवहारवादी और मानव क्रांतिकारी विभागन और कल्याणकारी लोगों, सबका चर्चा हम पिछले क्लास पिछले दौर में पहले कर चुके हैं। यहाँ पर फिर हम देखेंगे आधुनिक काल, अब जो है 1990 के बाद के काल को हम आधुनिक काल के नामों से जानते हैं, और ये आधुनिक काल क्या है, तो ये आधुनिक काल में भूगोल की विषय वस्तु, भूगोल के अध्ययन क्षेत्र की विषय वस्तु सतत विकास की संकल्पना पर विशेष बल दिया जा रहा है। अब कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो उसमें सतत विकास की संकल्पना, जैसे कृषि है तो कृषि में सतत विकास की संकल्पना,
कोई भी विकास कर रहे हैं उसमें सतत विकास की संकल्प, सतत विकास की संकल्पना आपकी है क्या, तो ये भी एक्चुअली नर निश्चयवाद से ही ये जो है सतत विकास की संकल्पना का विकास हुआ है। इसमें सतत विकास की संकल्पना क्या है, सतत विकास की संकल्प की प्रकृति में जो भी संसाधन है उसका हम विवेकपूर्ण उपयोग करें, हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रख कर ही उसकी एक सीमा तक ही उपयोग करें, ये ना कि अंधाधुंध उपयोग करें जिससे वह जो है संसाधन समाप्त हो जाए। इस तरह से हमको जो है बच्चों पूरा चैप्टर एक बार पांच टॉपिक एक दो तीन चार पांच टॉपिकों में बांट कर पूरा हम अध्ययन किए। अब हम कुछ प्रश्न को बता दें, थैंक यू बच्चों। अब हम इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे और नेक्स्ट जब भी हम क्लास आएंगे तो उसका आंसर आप लोगों को बताएंगे। अभी हम क्वेश्चन यहाँ पे 10-15 प्रश्न लिखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी अभी हम पढ़ाए हैं। तो बच्चों अभी तक जो भी हम थ्योरी पार्ट पढ़े हैं तो उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न संभावित प्रश्न हैं उसको हम पिकअप करके देखेंगे और आप थोड़ा सा हम कुछ समय लेंगे और उस दरमियान आपको आंसर खुद को बताना है और सेल्फ एवोल्यूशन करना है, आपको कितना हम बता पा रहे हैं। बीच बीच में क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा हम पॉज लेंगे, उस दरमियान ही है जो है आप अपने आंसर को सोच कर रखें। पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। अभी थोड़ा देर पहले ही हम बताए हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए, चलिए ठीक है आंसर बोल देते हैं। मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल को बोला जाता है, ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे, इनको जो है मानव भूगोल का जनक कहा। दूसरा प्रश्न है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, चलिए आपको आंसर बताइए। चलिए इसका भी सुन लीजिए आप लोग आंसर, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक लिखने के कारण ही जो है फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक दो बार लिखा गया है और एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, फ्रेडरिक रेटजेल। तीसरा प्रश्न है कि आधुनिक काल भूगोल में आधुनिक काल से मतलब 18वीं शताब्दी बाद के काल को कहा जाता है, तो आधुनिक काल में भूगोल में निश्चयवाद की संकल्पना के रूप में प्रस्तुत किसने किया, आधुनिक काल में भूगोल में निश्चयवाद की संकल्पना के रूप में किसने प्रस्तुत किया, इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये सारा भी थोड़ा देरी पहले जो भी बताया गया है उसमें आंसर ये छुपा हो इसका हम रिपीट भी किए थे। तो आधुनिक काल में भूगोल में निश्चयवाद की संकल्पना को प्रस्तुत करने का काम कौन किया था, हम्बोल्ट और रिटर, वो भी जर्मन ही थे, तो इसका आंसर होगा हम्बोल्ट एवं रिटर। दूसरा, संभववाद की संकल्पना को किस विद्वान ने प्रस्तुत किया, संभववाद जो है उसको संकल्पना के रूप में कौन सा विद्वान प्रस्तुत किया है, इसका भी आंसर हम बता चुके हैं।
तो संभववाद को शब्द का इस्तेमाल दूसरा कोई किया है जो कि आगे क्वेश्चन है, लेकिन ये आप बोल रहे हैं संकल्पना के रूप में, कंसेप्ट के रूप में प्रस्तुत किसने किया है, तो इसका आंसर होगा क्या, वाइडर डीला ब्लासे। वाइडर डीला ब्लासे फ्रांसीसी ज्योग्राफर थे और इन्होंने संकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, यहाँ संकल्पना है और यहाँ पे शब्द है, दोनों में यही सब अंतर देख रहा है। यहाँ पर भी जैसे हम बोले आधुनिक काल में, तो आपको यहाँ इस स्तर को ध्यान देना है, अगर प्राचीन काल में निश्चयवाद रहता तो वहाँ हिप्पोक्रेटस हो जाता, लेकिन यहाँ बदल गया था, तो शब्द को देखेंगे आंसर उसी में छुपा हुआ है। तो संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वो भी फ्रांसीसी ज्योग्राफर ही थे और संकल्पना से पहले संभववाद शब्द का इस्तेमाल लुसियन फेवरे के द्वारा किया गया, लुसियन फेवरे के द्वारा। फिर आगे देखेंगे कि भूगोल की एक जो महत्वपूर्ण विचारधारा है जिसके बारे में भी हम अध्ययन किए, नव निश्चयवाद की संकल्पना को किसने प्रस्तुत किया, भूगोल में नव निश्चयवाद की संकल्पना को किसने प्रस्तुत किया, भूगोल में निश्चयवाद की संकल्पना को किसने प्रस्तुत किया जिसे जिसको कि हम आधुनिक निश्चयवाद या वैज्ञानिक निश्चयवाद, रुको जाओ निश्चयवाद, कई नाम से जानते हैं। यही संकल्पना को प्रस्तुत किसने किया था, ग्रिफिन टेलर जो कि ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफर है, वो 1920 के दशक के निश्चयवाद। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के तहत मानव भूगोल की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है, तो डेमोग्राफी के तहत मानव भूगोल की शाखा का अध्ययन किया जाता है, सिंपल है इसका, जब हम पढ़ा रहे थे मानव भूगोल का क्षेत्र और विषय क्षेत्र तो वहां पर ये टर्म आया था डेमोग्राफी, आपको हिंट से पकड़िए कि डेमोग्राफी शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम डेमोग्राफिक जो है मानव भूगोल की किस शाखा के तहत अध्ययन किया जाता है, जनसंख्या भूगोल के तहत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये विचारधारा से रिलेटेड प्रश्न है आगे, क्योंकि इस चैप्टर का मूल वही है विचारधारा, तो विचारधारा से रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, एक क्वेश्चन है, प्रकृति श्रेष्ठ है मानव गौण है, प्रकृति श्रेष्ठ है मानव गण है, इस विचारधारा का मूल सारांश है, मैंने पूरा निचोड़ जो है प्रकृति श्रेष्ठ और मानव गण किस विचारधारा का मूल सारांश है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। अभी थोड़ा देर पहले हम जब विचारधारा पढ़ा रहे थे निश्चयवाद संभववाद और नव निश्चयवाद, उसी के तहत ये टर्म वहीं से हम लिए हैं, यहीं से क्वेश्चन हम बनाए हैं। प्रकृति श्रेष्ठ मानव गौण किस विचारधारा का मूल सारांश है, तो इसका आंसर होना चाहिए निश्चयवाद, होगा आंसर होगा क्या, निश्चयवाद। फिर अगला प्रश्न है, मानव श्रेष्ठ है एवं प्रकृति गौण है, किस विचारधारा का मूल सारांश है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, जस्ट इस क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा संभववाद, क्योंकि संभववाद में जो है मानव को श्रेष्ठ और प्रकृति को गौण माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकृति एवं मानव में समन्वय स्थापित करने वाला विचारधारा भूगोल में कौन है, प्रकृति एवं मानव में समन्वय स्थापित करने वाला विचारधारा भूगोल में कौन है, आपको हिंट कर रहे हैं कि समन्वय, समन्वय किसमें समन्वय, अनिश्चयवाद और संभववाद में समन्वय,
करने वाला विचारधारा भूगोल में कौन है? तो ये विचारधारा है नव निश्चय वाला। क्या है? नव निश्चय वाला। अगला प्रश्न है, रुको और जाओ निश्चयवाद का संबंध किससे है? रुको और जाओ निश्चयवाद का संबंध किस विचारधारा से है या किससे है? किस विचारधारा से है रुको और जाओ निश्चयवाद? तो इसका आंसर होगा नव निश्चयवाद। क्या होगा? नव निश्चयवाद। फिर आगे नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भूगोल में मानवीय और व्यवहारिक चिंतन का काल कब से कब माना जाता है? भूगोल में मानवीय और व्यवहारिक चिंतन का काल कब से कब माना जाता है? तो जब पढ़ा रहे थे टॉपिक मानव भूगोल का इतिहास, तो उसके तहत हम कई विचारधाराओं को प्रस्तुत किए थे और उसमें से एक विचारधारा मानवीय और व्यवहारिक चिंतन का काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1970 से 90 का दशक। आंसर इसका क्या होगा? 1970 से 90 का दशक। चलिए अब हम देखें, ये तो सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, लेकिन इस चैप्टर के तहत कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न भी होंगे और वो सब्जेक्टिव प्रश्न को आपको लिखने हैं। इससे प्रश्न बन सकता है कि भूगोल में निश्चयवाद से क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न बन सकता है, भूगोल में संभववाद से क्या समझते हैं। और तीसरा जो काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको लिखने के लिए दिए हैं नॉन क्वेश्चन में। और नेक्स्ट जब मेरा जो क्लास रहेगा ऑनलाइन क्लास, तो उसमें हम थोड़ा सा डिटेल करके आपको बताएंगे। अभी आपको लिखने के लिए दिया गया है, इसी लेक्चर से रिलेटेड है, आपको इस प्रश्न का आंसर खुद से लिखना ही है। निश्चयवाद एवं संभववाद में अंतर स्पष्ट है। जो भूगोल में विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं हैं, उसके तहत जो दो महत्वपूर्ण विचारधाराएं हैं, निश्चयवाद और संभववाद, दोनों में अंतर स्पष्ट है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? इसको पॉइंट में आप लोगों को लिखना है। एक तरफ आप लोगों को लिखना है निश्चयवाद और दूसरी तरफ संभववाद, और इसको पॉइंट में लिखते जाएंगे। एक नंबर इसका, एक नंबर इसका, दो नंबर इसका, ऐसे करके तीन चार पॉइंट बन सकते हैं। सबसे पहले तो इसका जो मूल सार है वो चीज लिख दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ भी इसका मूल सार इसका। फिर इसके निश्चयवाद के समर्थक कौन कौन है, तो हम आपको बता रहे हैं हिप्पोक्रेटस, हम्बोल्ट, लीटर, एडजेन, बहुत सारे भूगोल लेता है, तो वो उसका प्रमुख समर्थक। दूसरा भी यहाँ पर प्रमुख समर्थक में संभववाद, मिशन के लिए, उसके बाद जितना भी फ्रांसीसी भूगोल लेता है लगभग सभी जो है संभववाद विचारधारा के समर्थक है। और यहाँ जितना जर्मन भूगोल लेता है मैक्सिमम जो है निश्चयवाद के, सभी नहीं, जर्मन यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ फ्रांसीसी विचारधारा से प्रभावित विचारधारा। तो ये दो हो गया। फिर तीसरा आप कर तीसरा कह सकते हैं, और उसी का डिफिनेशन से रिलेटेड यहाँ बताया गया था मानव प्रकृति का दास है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मानव प्रकृति का दास नहीं बल्कि जो है प्रकृति मानव को विभिन्न प्रकार का च्वाइस देता है, मानव उसका उपयोग करे या ना करे उसकी स्वतंत्रता पर निर्भर कर रहा है। ये एक पॉइंट और देना, अगर एक आध पॉइंट और आपसे अगर बन सकता है, उदाहरण भी दे सकते हैं, निश्चयवाद की संकल्पना का, निश्चयवाद का मानव पर जो उसका जो प्रभाव पड़ता है प्रकृति का मानव पर, इसका कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं, यहाँ भी कुछ उदाहरण दे सकते हैं मानव के द्वारा, कुछ ऐसा उदाहरण दे सकते हैं यहाँ पे जो मानव जो है अपने तकनीकी कौशल से कर दिखाया है। यहाँ पर जो है आप दिखा सकते हैं कि मानव भी जो है वर्तमान समय में भी देखा जाता है, तो मानव जो है अग्नि की पूजा,
ऋषियों की पूजा, आप लोग देखते होंगे शादी विवाह में अग्नि के फेरे लिए जाते हैं। सनातन धर्म में जो है अग्नि की पूजा करते हैं, घरों में महिलाओं के द्वारा देखते हैं तुलसी के वृक्ष में पानी डाला जाता है, उसकी पूजा की जाती है। इसी तरह से वट वृक्ष की पूजा, पीपल की पूजा, ये सब सारा जो है किसी से रिलेटेड है, विषय बात का ही वो उदाहरण प्रस्तुत करता है। यानी कि प्रकृति इस रिश्ता को हम स्वीकार करते हैं, प्रकृति को हम पूजते हैं, और ये जो है विचारधारा जो है क्या है इससे। यहाँ पर तकनीकी का क्या था, ज्ञान कम था, लेकिन यहाँ पर तकनीकी का ज्ञान ज्यादा हो। इस तरह से पॉइंट पाँच छः पॉइंट अगर पाँच पॉइंट अगर लिख देते हैं तो किसी का भी देखेंगे उसका तबियत कुछ हो जाएगा। पॉइंट में अगर लिखा एक लिखने का दो तरीका होता है, एक होता है विषय बात लिखते हैं और उसका पूरा लिखते चले गए, दूसरा है कि अगर उसको पॉइंट में आप लिखते हैं तो एकदम जिस तरह से पूरा ट्रांसपेरेंट होता है उस तरह से एकदम दिख जाता है एक झलक में, जानवर को एक झलक में दिख जाता है। इसलिए आप लोग लिखिएगा इसी तरह से पॉइंट एक को हम बता दिए हैं पूरा डिटेल, आप लोग को लिखना है और नहीं होगा तो देखें कैसे कभी बता ही दिए हैं हम, लिख के गाना तो लिखना संभव नहीं है ना, और कुछ बताए हैं जैसे हम इसको लिख नहीं पाएंगे। और आपको वीडियो रिकॉर्डिंग को फिर से दोबारा डिटेक्ट करके रुक रुक के पॉज करते हुए पॉइंट्स को रखते हुए लिखते चले जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जैसे तीन क्वेश्चन बताए, विषय वाद से रह सकता है, संभववाद से रखता है, दोनों में अंतर से रह सकता है, तीसरा रह सकता है भूगोल का क्षेत्र। लॉन्ग क्वेश्चन में और प्रश्न आपको रह सकते हैं कि भूगोल का क्षेत्र और उप क्षेत्र का वर्णन क्या है, ये भी रह सकता है। तो दो तीन नंबर का रहेगा ज़्यादा नहीं। उसी तरह से मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, इस पर भी थोड़ा सा प्रकृति हमको लगता है आप समझ गए होंगे। आप मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, तो ये क्या है, परिवर्तनशील विषय है, अंतर विषयक विषय है ना, समय के साथ अपने को एडजस्ट कर लेता है। और जैसे आज से बहुत पहले जो है क्लाइमेटिक चेंज भूगोल का बहुत बड़ा विषय वस्तु नहीं था, लेकिन अभी जो है देखते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज पर हर एक साल जो है कॉप का सम्मेलन होता है, पहले इस तरह से नहीं हुआ करता, लेकिन क्लाइमेट चेंज का धीरे इसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी तरह से विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएँ बढ़ रही, तो ये मानव भूगोल की प्रकृति ऐसी है कि सभी चीज़ों को अपने में समाहित कर लेता है। तो ये अंतर विषय विषय है, अन्य विषयों से कैसे सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए अंतर संबंधित है, जो कि टेबल के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किए। तो समझो वहाँ पे प्रकृति भी स्पष्ट दिख रहा है, और दूसरी प्रकृति है कि समय के साथ किस तरह से भूगोल में परिवर्तन हुआ है, जो कि एक चार्ट के माध्यम से उसको दिखाने का प्रयास किए कि किस तरह से काल परिवर्तन के साथ साथ जो मानव के विषय वस्तु में गतिशीलता आई, तो यही प्रकृति को ही परिलक्षित करता है। और विषय क्षेत्र तो खैर सिंपल है, और लेकिन टॉपिक आपको पढ़ना है, जिस टॉपिक में लिखा हुआ है मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र, लेकिन उसके अंदर का ही चीज जो है उसके तहत उत्पादक है, मानव का प्रकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण और समय के गलियारों के मान होंगे, उससे सारा इसी का इसीलिए हम सर्वप्रथम पढ़ाने से पहले फास्ट डिवीजन में बांट करके हम लोग आप लोग को स्टडी करवाए। चलो बच्चों, तो इस तरह से आप धन्यवाद देते हैं।